नारद पुराण के अनुसार एक बार दैत्यराज जलंधर के अत्याचारों से ऋषि मुनि सभी देवतागण और मनुष्य भी बहुत परेशान हो गए थे। वह बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। इसके पीछे उसकी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्यों का फल था, जिससे वह कभी पराजित नहीं होता था। उससे परेशान होकर सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उसे हराने का उपाय पूछने लगे। तब भगवान श्री हरि ने वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और उसके बाद वृंदा को स्पर्श कर लिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और जलंधर युद्ध में मारा गया। भगवान विष्णु के द्वारा किए गए छल तथा पति के वियोग से दुखी होकर वृंदा ने श्री हरि को श्राप दिया कि आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा तथा आपको अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। यह श्राप देने के बाद वृंदा अपने पति जलंधर के साथ सती हो गई, जिसकी राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने से भगवान विष्णु को बहुत ग्लानि हुई। तब उन्होंने वृंदा को आशीष दिया कि वह तुलसी स्वरूप में सदैव उनके साथ रहेंगी। उन्होंने कहा कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को जो भी शालिग्राम स्वरूप में उनका विवाह तुलसी से कराएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसके बाद से ही तुलसी विवाह होने लगा।